ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या कर रही हैं आप ये बुआ दादी? सोचा भी कैसे आपने की कीर्ति दी की शुद्धिकरण पूजा करवाएंगी आप? किसने कहा कि वो अशुद्ध है? किसने अधिकार दिया आपको कि आप किसी के सम्मान को इस तरह ठेस पहुंचाएं? कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध, ये कौन तय कर सकता है? चार मंत्र पढ़ देने से, इस तरह घड़े के पानी से नहला देने से कोई शुद्ध कैसे हो सकता है अगर उसके मन में मैल हो तो? और अगर यही तरीका है मन के मैल को धोने का, तो अब तक कोई भी ऐसे धोती आज? शुद्धि विचारों की होती है, भावनाओं की होती है, और कीर्ति दी का मन बिल्कुल शुद्ध है। बहुत दुख हो रहा है मुझे बुआ दादी कि आपने खुद एक औरत होके उनके दर्द को नहीं समझा, उनके बीते हुए कल को दाग बनाते उनके माथे पे लगा दिया ताकि आप उसे धोने का ढोंग कर सके। आपको शुरू से ही कीर्ति से प्रॉब्लम रही, कई बार देख चुका हूं मैं, लेकिन हर बार इग्नोर किया है मैंने। अगर आप इतने ही खिलाफ हैं शादी के तो मना कर दीजिए ना अपनी फैमिली से कहकर, लेकिन इस तरह मेरी बहन को हर्ट करने का आपको कोई हक नहीं बनता। इन्हें क्या, हम में से किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो इनके बीते हुए कल पर सवाल उठाए या फिर कोई ऐसी बात करे जिनसे इनका दिल दुखे। आपने बहुत गलत किया बुआ दादी, कीर्ति जी के बारे में ऐसा सोचकर आपने अपनी अशुद्ध सोच का सबूत दिया और पूरे परिवार को बेइज्जत किया आपने। कीर्ति जी, I'm really sorry। कार्तिक, नायरा, मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए कीर्ति जी के साथ गलत हुआ, I'm really sorry, please माफ कर दो मुझे। नक्श, कंट्रोल योरसेल्फ भाई। कार्तिक, कीर्ति जी को घर लेके जाओ प्लीज। चलिए आप, एक फैसला आज वहां भी होगा। क्या आपने ये होने दिया मां? मां, हम तो आज तक ये सोचते रहे कि क्योंकि आप हैं इसलिए हमें कीर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत तो क्या अधिकार तक नहीं है। मां, आपकी इच्छा को हमेशा आज्ञा माना हमने। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए मां, क्या कीर्ति का शुद्धिकरण करने की जरूरत थी? तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि खुद आप अपनी बेटी को कीर्ति को अशुद्ध मानती हैं इसीलिए आपने? कीर्ति बेटा, हमें माफ कर दो, हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। मेरी चिंता सबसे ज्यादा आपने की थी दादी, और आज आपने ही मुझे ऐसा दर्द दिया। जितनी तकलीफ मुझे आज पहुंची है ना दादी,
छुट्टी तो आदित्य ने भी नहीं दी थी। जब कोई अपना कुछ ऐसा करता है ना, तो तन पे कम चोट मन पे ज्यादा लगती। इस तरह मुंह मोड़ के बचाव की थी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। ये आपने ठीक नहीं किया दादी। पता नहीं कब ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग से निकलेगी। मेरी और नायरा की शादी के वक्त भी ऐसी बात उठी थी, तब तो नहीं चला पाए आप पर कीर्ति पर चला दिया। चलो नायरा, रसम के बारे में तो मैंने रुक्मणी बहन ने बताया। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए ना, ये बार बार उसी बात का जिक्र कर रही थी, तो बस उनकी मदद करने के लिए मैंने उस सुझाव दिया, इनकी मदद की, इनका साथ दिया और कुछ भी नहीं। अरे झूठ क्यों बोले हैं? हाँ मैं कहाँ बोल रही हूँ, नक्श किसी से भी शादी करे मुझे क्या। अरे कैसे आग लगा हुए है जी औरत। अरे मैं कहाँ लगा रही हूँ, बड़ी गलती की, मैंने आपकी मदद की, आपका साथ दिया, अभी हाय तो बाद होंगे, कभी किसी की मदद नहीं करूंगी, किसी की बातों में नहीं आऊंगी, नहीं मदद करूंगी। अरे जे रुक्मिणी घनी चालाक है, या ही ने तुम्हारे दिमाग में बात भरी थी ये रसम की? बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। कब तक आप बड़ी होने का नाजायज फायदा उठाती रहेंगी और हम सब कब तक छोटे होने का ऋण चुकाते रहेंगे? आपकी वजह से हम भी इस पाप के भागीदार बन गए। जिस लड़की को हम इस घर की लक्ष्मी बनाकर ला रहे हैं, आपने उसका इस तरह अपमान किया। बुआ जी कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करता है, और आप हर बार कुछ ना कुछ करती रहती हैं, और हम हर बार उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तो हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझाए भी तो कैसे समझा। I'm sorry, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। मेरी और कीर्ति जी की शादी में बुआ दादी और रुक्मणी दादी नहीं रहेंगी। और ये मैंने फाइनल कर दिया। बड़े भी सजा के हकदार होते हैं। माफी मांगना तो शायद काफी नहीं होगा, इसलिए आप चाहे तो सजा दे सकती हैं मुझे। I'm so sorry कि मेरे होते हुए आपके साथ गलत हुआ। इसमें कोई गलती नहीं है नक्श, आप तो खुद मेरे साथ खड़े थे। मेरी जिम्मेदारी थी कीर्ति जी, और उसके बावजूद। देखिए प्लीज प्लीज आप ऐसे मत करिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है,
और सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर खुद को क्यों दे रही है? कीर्ति जी, मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक बात कहूं, दादी की इसमें कोई गलती नहीं है। कीर्ति जी, उन्होंने बुआ दादी के प्रेशर में आकर ये मंजूर किया होगा। देखिए, आप इसके बारे में सोचिएगा, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर रही होंगे। चलिए अब कल बात करते हैं। बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है।